गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था। तो गाइस, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं स्नो फॉर्म, ठीक है। तो हॉपर्स, जस्ट अ मिनट। तो गाइस, हॉपर्स हॉपर्स चेस्ट रिपीटर रेडस्टोन की डस्ट पिस्टन्स और रेडस्टोन रिपीटर सॉरी मैं रिपीटर बोल दिया ऑब्जर्वर, ठीक है। एक लीवर, स्नो के ब्लॉक्स, कुछ कार्व्ड पम्पकिंस और कंस्ट्रक्शन ब्लॉक। एक सेकंड, बैक में रख दे रहा हूँ। और कंस्ट्रक्शन ब्लॉक, ठीक है। क्राउच में पहले ये लगा देंगे, फिर उसके बाद इन हॉपर्स उसके उसके ऊपर चढ़ गए। यहाँ एक दो, फिर उसके बाद यहाँ पे 2x2 में हॉपर्स फिक्स कर देंगे हम लोग। लग जा, हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को एक लेयर बनानी है चार तरफ का। कंस्ट्रक्शन ब्लॉक को मैं स्टोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग कोई भी सॉलिड ब्लॉक लीजिए, ग्लास और स्लैब्स और क्या बोलते हैं ट्रैप डोर्स को छोड़ के, ग्लास स्लैब्स और डोर्स वगैरह को छोड़ के आप कोई भी कंस्ट्रक्शन ब्लॉक ले सकते हैं। दोनों तरफ में कहीं आप लोगों को दो दो लगाने हैं या फिर रहने दीजिए। इस तरह से लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको एक का इस तरफ, एक इस तरफ फेस करते हुए, एक इस तरफ फेस करते हुए, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं, आप लोग किसी भी पिस्टन पे लगा सकते हैं लीवर, मैं चालू लगाऊंगा। आप लोगों को उसको चालू करते ही बंद कर देना है, तो इस तरह से ये क्लियर बन जाएगी, ठीक है। फिर आप लोग गाइस इसको तीन तीन ब्लॉक में बनाना है। और फिर यहाँ पे हम लोग समन करवाएंगे स्नो गोलम, ठीक है। और उसको गाइस जैसे आप लोगों को बंद करना हो लीवर का, है लीवर को आप लोग दबा दीजिए, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये बंद हो जाएगा। रिपीटर्स फालतू थे, गलत ले लिए, मैंने अपना आइडिया बदल दिया ना। यहाँ लीवर्स पड़ेंगे, यहाँ पे एक दो, यहाँ पे दो, एक दो, यहाँ पे दो, ठीक है। इस तरह आठ, ये हो गए हमारे चार स्नो गोल सब। आप लोग चाहें तो एक आध दो और कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, आठ स्नो गोलम को सम, आठ को समन करवा दे रहा हूँ। आठ समन है यहाँ पे स्नो गोलम। और गाइस यहाँ पे जैसे आप लोग चालू करेंगे तो ये रहेगा कि गाइस स्नो गोलम जहाँ पे भी रहता है वो अपने नीचे स्नो की एक लेयर जमा देता है। तो ये लोग जैसे ही इधर से उधर मूव करेंगे तो ढेर सारा स्नो आएगी यहाँ पे। ये देखिए गाइस, इतनी सी देर में इतने सारे स्नो आ चुके हैं पहले पास। और गाइस जैसे जैसे आप लोग जितना ज़्यादा ए एफ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों का स्नो आएगी। और आप लोग चाहें तो गाइस इसको बड़ा भी कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो तीन चेम्बर बनाने होंगे इस तरह के, या फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे दो लगा दिए थे जो यहाँ पे और नीचे हॉपर्स थे ही। तो गाइस आप लोग यहाँ पर जितने चाहें उतने वो लगा सकते हैं हॉपर्स, सही हॉपर्स कह रहा हूँ, हाँ हॉपर्स और पिस्टन्स। और उतने ही ज़्यादा स्नो गोलम से समन करवा दीजिएगा,
आपस में गाइस अगर जितने आप लोग लगाएं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 गाइस टोटली 16 हो गए। तो गाइस मेरी माया जो आप लोग यहाँ पे 20 समन कर रही है कि 2-3 एक्स्ट्रा आएंगे तो ही वो मूवमेंट फिक्स रहेगा उनका, इसलिए मैं यहाँ पे 8 समन करवा दी है। गाइस आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्नो एक बार बन रही है यहाँ पे, यहाँ पे गाइस ये जमा हो चुकी है। ठीक है तो गाइस एक सेकेंड, ये कैसे लगते हैं, ये मेरे से गलत लग गया। गाइस होगा ये कि ऊपर इन चारों हॉपर्स का कनेक्शन इसे एक सिंगल हॉपर में है, ये यहाँ से इसमें आ जाएगा, यहाँ से इस चेस्ट में जाएगा, इस चेस्ट से इसमें जाएगा, उसमें देन गाइस हमारा लास्ट चेस्ट ये वाला जो गाइस बहुत तेज़ी से फिलअप हो रहा है। अब जैसे गाइस करूँगा यहाँ से सबसे पहले, सॉरी यहाँ सबसे पहले रिलीज़ होंगे ये, तो यहाँ पे स्टोर हो गए, अब यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। गाइस हॉपर्स की स्पीड इतनी तेज़ नहीं होती है, वो स्टक हो जाएगा थोड़े बहुत तो, बट उसकी कोई टेंशन नहीं है कि वो अपने आप ही टाइम टू टाइम रिलीज होते रहते हैं 23। बस आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे चेस्ट फिलअप ना हो जाए पूरे पूरे। ये स्नो बॉल्स जो होती हैं उसमें सिर्फ 16 बॉल्स का एक स्टैग होता है, सॉरी 16 बॉल्स का एक स्टैग रहता है, यही सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। ठीक है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा तो मेरे इन्वेंट्री में भी आ जाएंगे ऐसे ढेर सारी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक यू।